शिक्षक विहीन स्कूल से जूझ रहे हैं। बिलासपुर के सरकारी स्कूलों की हालत और भी बदतर हो गई, अब ये स्कूल जर्जर भी हो गए हैं। 150 से ज्यादा बिलासपुर जिले में जर्जर स्कूल है जिनके हालत सुधर जानी चाहिए थे, लेकिन अब स्कूल सत्र शुरू हो गया है तो जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग दोनों को याद आ गया है कि स्कूलों की स्थिति को सुधारना है, बच्चों की जो बैठने की व्यवस्था है उसको सुधारना है। पहले ही इन स्कूलों में शिक्षक नहीं है और अब शिक्षक अगर भेज दिए गए हैं तो उनमें उन स्कूलों की स्थिति बहुत गंभीर है। कई स्कूलों में पहुंच भी रास्ते नहीं है, लगातार कलेक्ट्रेट में भी धरना प्रदर्शन करके छात्र ग्रामीण छात्र भी पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में ध्यान देती है, लेकिन जिला प्रशासन का जो रवैया है वो इस मामले में निष्क्रियता को साबित करता है। और अब स्कूल सत्र खुलने के साथ जब पढ़ाई शुरू हो गई है तो जिला प्रशासन को याद आ रहा है कि जर्जर स्कूलों को सुधारा जाना चाहिए। बिलासपुर का जिला प्रशासन बेहद सक्रिय है, स्कूल सत्र शुरू हो गया और अब याद आ गई है कि जर्जर स्कूल कितने हैं और इसकी सूची डीओ से मंगाई है जिला प्रशासन ने, और उनका मानना है कि अब इन स्कूलों को सुधारा जाएगा। बिलासपुर से इंस्पेक्टर रिपोर्टर शैलेंद्र पाठक।